आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। टू प्लेन मिरर्स आर एट एन राइट एंगल टू अदर, अ मैन स्टैंड बिटवीन देम, देन द कॉम हिज हेयर, हिज राइट हैंड इज, हाउ मेनी ऑफ द इमेज विल ही सी यूजिंग हिज राइट हैंड। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ मैं, वैसे तो थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। तो इसमें यह बोलता है कि दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं और दोनों राइट एंगल पे ऐसे। ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है बीच में, जो प्लेन मिरर है इनके बीच में ऑब्जेक्ट है जो कि कॉम कर रहा है, कंघा कर रहा है राइट हैंड से। तो कितने इमेजेज में वह अपने आप को राइट हैंड से कॉम करता हुआ अपने आप को देखेगा। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये दो प्लेन मिरर्स हैं, जैसे इस बोर्ड को ही एक मिरर मान लीजिए और एक इसके परपेंडिकुलर एक मिरर मान लीजिए, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, इस मिरर में मैं अपने आप को क्या देखूंगा कि राइट से नहीं लेफ्ट हैंड से कॉम कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें तो राइट इससे देखूंगा, थोड़ा सा इसे टेढ़ा हो गया मैं, इसमें भी राइट, इसमें लेफ्ट हैंड से देखूंगा और इसमें भी लेफ्ट हैंड से ही देखूंगा, लेकिन ये जो इमेज बनेगा ना, सुनना, इसमें भी लेफ्ट हैंड से करता हुआ मिलूंगा और इसमें भी लेफ्ट हैंड से कॉम करता हुआ मिलूंगा, पर ये वाला जो इमेज होगा ना, ये वाला इसमें राइट हैंड से कॉम करता हुआ मिलूंगा। तो एक ही इमेज है ऐसा जिसमें राइट हैंड से करता हुआ मिलूंगा, कॉम करता हुआ मिलूंगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।